नेहा और प्रतीक में हुई लड़ाई, हाथापाई तक पहुंची नौबत, टास्क के बाद हुआ बवाल। बिग बॉस ओटीटी में नेहा और प्रतीक के बीच लग्जरी बजट टास्क के बाद मतभेद हो गया है। टास्क के बाद दोनों के बीच लड़ाई भी हुई, दोनों ने एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुनाई और यहां तक कि नेहा प्रतीक पर हाथ उठाने की कोशिश करती हुई भी दिखाई दी हैं। दरअसल टास्क के दौरान प्रतीक ने नेहा पर यह आरोप लगाया था कि वो विरोधी टीम की बातें ज़्यादा सुन रही हैं, जबकि प्रतीक को दूर जाने के लिए कह रही हैं। नेहा ने प्रतीक के इस आरोप को खारिज किया और ये कहा कि तुम 30 सेकेंड में अपना रवैया बदल लेते हो, तुम दोस्तों के साथ भी लड़ने लगते हो और हर बात पर आर्ग्यूमेंट करते हो, किसी की भी नहीं सुनते। प्रतीक को नेहा का दूर हटो कहना बुरा लगा। वहीं प्रतीक ने जब नेहा को ये कहा कि तुम विरोधी टीम की बातें सुन रही थी लेकिन मेरी बातें सुनने का तुम्हारे पास गुदा नहीं था, प्रतीक की ये बात नेहा को बहुत ज़्यादा बुरी लगी। हालांकि प्रतीक ने बाद में समझाया कि गुदा का मतलब दम होता है, यानी तुम्हारे पास मेरी बातें सुनने का दम नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच जमकर बहस हुई। मतभेद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच अब तक जो बॉन्डिंग नजर आ रही थी वो भी टूट की कगार पर पहुंच गई है, यानी नेहा और प्रतीक की दोस्ती अब खत्म होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि टास्क के बाद हुए इस झगड़े के बावजूद दोनों देर रात तक एक दूसरे से बहस करते नजर आए। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या ये अपने बीच मतभेद सुलझा लेते हैं या फिर इनके बीच दोस्ती में सच में दरार आ जाती है। बिग बॉस ओटीटी से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं।